नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। सतयुग के बाद त्रेता युग और इसके बाद द्वापर युग और मौजूदा कलयुग, सभी युगों का अपना अपना महत्व रहा है। द्वापर युग में हुआ सबसे भयावह युद्ध महाभारत और 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी की ओर से अपने प्रिय अर्जुन को कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया गया उपदेश आज भी तर्कसंगत है। द्वापर युग में जन्मे देवव्रत की बात ना हो तो यह मुमकिन ही नहीं है। आखिर किस भीषण प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीषम के नाम से विख्यात कर दिया? वह भीषम जो पांडवों व कौरवों दोनों के ही पितामह थे। कौन थे देवव्रत? पुराणों में दर्ज है कि महाराजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। देवी गंगा को नदी के रूप में बहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना था। इसी कारण देवी गंगा ने महाराजा शांतनु के संग राजमहल में रहने से इनकार कर दिया। महाराजा शांतनु अपनी पत्नी देवी गंगा के इस फैसले को सहन नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनका सांसारिक मोह समाप्त होने लगा। परंतु एक दिन जब महाराजा शांतनु गंगा तट पर बैठे थे, तभी देवी गंगा प्रकट हुई। देवी गंगा ने एक नवजात बालक को महाराजा शांतनु की गोद में रखकर इसका पालन करने के लिए कहा। देवी गंगा से प्राप्त हुए बालक को महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उस बालक का नामकरण करते हुए उसे देवव्रत नाम दिया। पुत्र देवव्रत को पाकर महाराजा शांतनु एक बार फिर से राजपाट को सुचारू रूप से चलाने लगे। महाराजा शांतनु हुए सत्यवती पर मोहित। समय बीतता गया, बालक देवव्रत भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक देवव्रत जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसी तरह से उस बालक की विलक्षण प्रतिभा सभी को प्रभावित करने लगी। बालक बेहद ओजस्वी था। एक दिन की बात है कि महाराज शांतनु को एक निषाद कन्या दिखाई दी। बेहद खूबसूरत कन्या का नाम सत्यवती था। महाराजा शांतनु सत्यवती को देखते हुए उस पर मोहित हो गए। महाराजा शांतनु ने सत्यवती संग विवाह कर उसके साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। परंतु रूपवती सत्यवती ने महाराजा शांतनु के शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सत्यवती के इस फैसले के बाद एक बार फिर महाराजा शांतनु का मन राजपाट के कामों से उचाट हो गया। किस वजह से देवव्रत से कैसे बने भीषम? पिता की उदासी का कारण जानने के बाद इस समस्या का समाधान करने के लिए देवव्रत सत्यवती से मिलने पहुंचे। देवव्रत ने सत्यवती के समक्ष अपने पिता महाराजा शांतनु संग विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो सत्यवती ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए देवव्रत से ही शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ने कहा कि यदि वह महाराज शांतनु से विवाह करेंगी तो उनकी संतान को तुम्हारा दास बनकर रहना होगा, जो उन्हें कति मंजूर नहीं, क्योंकि नियमानुसार किसी भी राजा का पहला पुत्र ही सत्ता का अधिकारी होता है। इस दलील को सुनने के बाद देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी शासक नहीं बनेंगे और जीवन भर शासन करने वाले आदमी के अधीन ही कार्य करते रहेंगे, उस शासक की हर आज्ञा का पालन करते रहेंगे। इस प्रतिज्ञा को सुनने के बाद सत्यवती ने कहा कि यह सब तो उचित है, परंतु तुम्हारे पुत्र और पोत्र तो तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को स्वीकार नहीं करेंगे। सत्यवती की इस दलील को सुनने के बाद देवव्रत ने कहा कि वह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे। इस भीषण प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत को भीषम कहा जाने लगा। इस वचन से बंधे होने के कारण भीषम सारा जीवन ही कौरवों के हर गलत आदेश को स्वीकार करने के लिए विवश रहे, चाहे वह सारी सच्चाई से हमेशा अवगत थे। तो दोस्तों, यह थी देवव्रत के भीषम बनने से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।